क्योंकि मैंने कुछ चीजें ऑनलाइन मंगवाई थी, मैं इतनी जल्दी डिलीवरी की एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था यार। अभी अभी आई थिंक सो मेरा कोई ऑर्डर डिलीवर करने गया। मैंने एक जो है वो मोबाइल कवर मंगवाया था और एक मैंने ट्राइपॉड माउंट मंगवाया हुआ था। मैं देखता हूँ नीचे जाके यार मेरे डिलीवरी पे तो लिखा आ रहा है ऑर्डर डिलीवर्ड, लेकिन यहाँ तो किसी ने कॉल करा नहीं। यहाँ पे वैसे एक और भी रूल है कि आप बाय स्टेयर्स पे रख के चले जाओ, जो भी डिलीवरी आपने करनी है किसी भी चीज़ की, तो जो जिसका होगा वो आके पिक कर लेगा। यहाँ पे ये नहीं है कि कोई और पिक करके कोई और उठा के आपका चला जाएगा। तो खैर अभी मैं नीचे जाता हूँ, देखता हूँ कि क्या कोई नीचे चीज़ पड़ी हुई है या फिर वैसे ही अली एक्सप्रेस वालों ने कह दिया कि आपके ऑर्डर डिलीवर भी हो गए। तो यार ये आप देखो, ये कोई मेरा नाम ऊपर लिखा है निशा जलानी, ये कोई ऑर्डर छोड़ के गया। ये वाली लगाते हैं भाई, खुल जा भाई, बड़ी सर्दी है इधर, खुल जा। तो ये कैसे बंद करके गया है कोई? तो यार ये मैं ऑर्डर लेके आ गया, इतने जोर वो बंदा फंसा ही गया कसम से, ये मेरे से ओपन ही नहीं हो रहा था। खैर ऑर्डर आ चुके हैं, हम लोग नाश्ता वगैरह करने के बाद इसको ओपन करते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या मंगवाया। क्योंकि मैंने कुछ चीजें ऑनलाइन मंगवाई थी, मैं इतनी जल्दी डिलीवरी की एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि विद इन 1 वीक हो जाएगी। अभी हम खोल के चेक करते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। तो यार ये मेरा ऑर्डर आया था जो कि मैंने लास्ट वीक किया था, इतनी जल्दी मैं अली एक्सप्रेस से वैसे उम्मीद नहीं कर रहा था कि आ जाएगी। 22 अप्रैल की एक्सपेक्टेड डेट लिखी आ रही थी, लेकिन ये इतनी जल्दी आ गए तो विद इन 1 वीक आपको यहाँ पे चीज़ें डिलीवर हो जाती हैं अली एक्सप्रेस से, जो कि हमें पहले नहीं था पता। तो यार ये मैंने एक मंगवाया था मोबाइल का कवर, क्योंकि मेरा मोबाइल बहुत ज़्यादा गिरता है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो यार ये देख सकते हो आप मेरे मोबाइल पे ये कैसे लाइन पड़ी, ये गिरा था तो मैंने सोचा यार इसका कवर मंगवा लो इससे पहले कि इसके हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाए। तो यार ये मेरे मोबाइल का कवर है, अब जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा मज़े का लगना शुरू हो गया। तो ये मैंने मंगवाया, मैंने कहा यार इसको कम से कम इसकी जो है ना बैक ग्लास वो बच जाए। अब ये खोल मुझे। तो यार ये 2 माउंट मैंने मंगवाए थे जो कि आप ट्राईपॉड के ऊपर लगाते हो, जिसके ऊपर मैंने मोबाइल लगाया था, वो बोला मेरा माउंट थोड़ा फ्री फ्री लग रहा था, तो मैंने कहा भाई इतना महंगा मोबाइल है माउंट के साथ हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में खोलता हूँ एक किसी। तो यार मिक्सर दिए तो हमने ऑर्डर की थी चीज़ें आ गई, मैंने और भी चीज़ें ऑर्डर की हुई हैं, देखते हैं वो कितने दिन बाद आएंगी। खैर अली एक्सप्रेस से आप ऑर्डर करो, अमेजोन से कोई रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि अमेजोन की चीज़ यहाँ बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। और ये देखो ये भूतनी की क्या कर रहा है कब से, ये नाम खत्म कर रहा है, क्योंकि हम कचरे के डब्बे में जब फेंकते हैं ना तो ये नाम वगैरह खत्म करके फेंकना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा नाम आ जाता है और अगर हमने गलत बॉक्स में कोई चीज़ फेंक दी उस पर आपको फाइन आएगा। वाह क्यों? तो यार पहले मेरा ये वाला माउंट था ये ऊपर से थोड़ा सा फ्री हो गया था, तो मैंने कहा यार चलो इसका न्यू माउंट मंगवाते हैं। अभी मैं न्यू इसमें असेंबल करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ कैसा है। तो यार मैंने नया माउंट लगा लिया, अभी मैं बस उसकी रिकॉर्डिंग चेक करता हूँ कि मेरे नए माउंट की रिकॉर्डिंग कैसे आ रही है। वैसे बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आया, 2 मैंने इसलिए मंगवा ली, मैंने कहा यार एक एक्स्ट्रा भी ला दे। अबे लाइट क्यों बंद है ये चीज, क्योंकि यार जब यहाँ पे मौसम थोड़ा सा तंग तंग सा होता है तो आपको लाइट की जरूरत दिन में भी होती है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इस मौसम में आपकी रिकॉर्डिंग कैसे अच्छी आ सकती है। तो खैर मैं लाइट ऑन कर लिया, अभी बस मैं बैठ कर थोड़ी अपनी एडिटिंग वगैरह करने लगा, कल मेरा पूरा ब्लॉग अभी रहता है उसको भी भाई मैंने अभी एडिट करना है। यार आज हम नए ब्लॉग पे शिफ्ट हो चुके हैं, पुराना ब्लॉग एडिट करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे भाई जर्मनी में इस वक्त टाइम हो रहा है यार 8:08 और पाकिस्तान में 12:08। अभी मेरे बॉयज़ आज गए हुए हैं बर्लिन, कोई पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से पार्टी थी वो वहाँ पे गए हुए हैं, मेरे पास टिकट ही नहीं है कि मैं ट्रैवल कर सकूँ। खैर ये किसी और दिन की स्टोरी है, हम फिर आपको बताएंगे। अभी बस मैं अपने लिए खुद ही खाना बनाने लगा हूँ बेचारा मैं। तो यार बस अभी भी मैं फ्री हूँ, मैं अपने भाई उस्मान भाई से बात कर रहा था, उस्मान भाई बेबी जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता हम कभी आपको मिलवा देंगे। बाकी मैं अपने लिए अभी खाना वगैरह बनाने लगूँ, आज मैं अकेला हूँ बेचारा मैं, आज मैं अपने लिए खुद खाना बनाऊंगा। शिट यार आज आपका भाई सिर्फ अंडा एक बना के गुजारा करने लगे, साथ में प्याज है, हमारे टमाटर मुझे इतनी भूख भी नहीं है। खैर मैं अब नहीं चाहता कि सालन में बनाना शुरू कर दूँ वो भी अकेले। तो यार मैंने अपने लिए खाना मेरा बना लिया है, वो दोनों तो आज वहां से बर्लिन से ही खाना मेरा जहर सी बात है यार खा के ही आएंगे। मैं बस अभी खाना वगैरह खाता हूँ, खाना वगैरह खाने के बाद थोड़ा मुझे काम वगैरह करना है वो करते हैं, जब वो वापस आएंगे फिर चाय शाय बनाएंगे और फिर थोड़ी देर बैठ के यहाँ पे
कार्ड्स वगैरह खेलेंगे ताकि थोड़ी चस आए, कल भी हमने कार्ड्स नहीं खेले, बहुत नींद आई। तो खैर यार बहुत देर हो गई है, मैं बहुत ज़्यादा वेट करता रहा उन दोनों का कि शायद वो लोग आ जाएं, फिर हम इकट्ठे मिल के व्लॉग एंड करते हैं। लेकिन अभी मुझे उनका मैसेज आया कि मैं हम 2 बजे तक आएंगे। अभी टाइम क्या हो रहा है? अभी यार टाइम होने वाला है पूरा 1, वो 2 बजे तक आएंगे। मुझे तो बड़ी सख्त किस्म की इस वक्त नींद आई हुई है, तो मैं सोने लगा था। मैंने कहा चलो ब्लॉग एंड कर लेते हैं। तो यार ब्लॉग एंड करने से पहले जो आज हमें ऑर्डर आया है अली एक्सप्रेस का, वो विद इन 6 डेज आ गया था। हालांकि उनकी जो एक्सपेक्टेड डेट थी वो ऑलमोस्ट कोई 1.5 मंथ बता रहे थे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी जल्दी यहाँ पे पैकेज आपको डिलीवर हो जाता है। मैं बहुत ज़्यादा लेट समझ के अभी भी बैठा हुआ था, लेकिन वो मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा जल्दी हो गया। खैर यार आज का ब्लॉग इतना ही। आज ब्लॉग बहुत ज़्यादा मुझे पता है छोटा भी बना है, और कुछ इतनी ज़्यादा हैपनिंग भी नहीं थी, क्योंकि बस बहुत ही ज़्यादा मिक्स दिन रहा। सारा दिन हमने घर वालों से बात वगैरह की और बस इस तरह से दिन गुजर गया, तो इतना कोई हैपनिंग थी नहीं। होपफुली आपसे मिलेंगे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए मुझे मेरे मिक्सर बॉयज़ को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ओह भाई बहुत नींद आई हुई है, चलो मेरा भाई।